नमस्कार। बदरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में ट्रिपल तलाक पर दूसरे दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की, कहा कि तीन तलाक निकाह खत्म करने का सबसे खराब और अनचाहा तरीका है। चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने पूछा कि ट्रिपल तलाक परंपराओं का हिस्सा है या फिर इस्लाम का अभिन्न अंग है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि दूसरे देशों में ट्रिपल तलाक नहीं है। ट्रिपल तलाक पाप है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड है कि ट्रिपल तलाक घिनौना है लेकिन तब भी वैध है। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने भी तीन तलाक को बेहद घिनौना बताया। तो अगर उस धर्म में इसको पाप माना जाता है, पाप माना जाता है सोच से, तो इसको फिर कानूनी वैधता कैसे दी जा सकती है? इस बात पर मैंने जवाब दिया कि यह संभव नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेरल्ड केस में इनकम टैक्स जांच को मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट से जांच की मंजूरी मिलने के बाद नेशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ इनकम टैक्स की जांच चलेगी। यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोनिया और राहुल से पूछताछ भी कर सकता है। पीएम मोदी श्रीलंका दौरे पर हैं। श्रीलंका के दिकोया में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया। यह अस्पताल भारत के सहयोग से बना है। पीएम मोदी ने वाराणसी से सीधे कोलंबो तक विमान सेवा शुरू करने का ऐलान भी किया। भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विसाख महोत्सव में भी शामिल हुए। पाकिस्तान पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हिंसक विचार विश्व शांति के लिए खतरा है। हमारे क्षेत्र में आतंकवाद की समस्या इसी विध्वंसक विचारधारा को दर्शाती है। योर कंट्रीब्यूशन इज डीपली वैल्यूड अक्रॉस श्रीलंका एंड बियॉन्ड। आई फॉर वन ट्रूली एप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। यू एंड आई have something in common. As some of you may have heard, I have special association with tea. और उधर ईवीएम से छेड़छाड़ के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की। आयोग ने चैलेंज दिया कि दो दिन बाद आए और ईवीएम में गड़बड़ी को साबित करके दिखाएं। बैठक में सात राष्ट्रीय और 48 क्षेत्रीय पार्टियों के नेता पहुंचे। आयोग ने डेमो देकर बताया कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। सर्वदलीय बैठक के एजेंडा में चुनाव से जुड़े दूसरे कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आयोग चाहता है कि चुनावों के दौरान पैसों के लेन देन को अपराध की श्रेणी में रखा जाए। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के चंदा लेने के सिस्टम को पारदर्शी बनाने का भी प्रस्ताव रखा। सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने तीन आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। शोपिया में जगह जगह इन आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों से इन आतंकियों का सुराग बताने की अपील की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर फयाज को अगवा करने और उनकी हत्या में 4 से 6 आतंकी शामिल थे। इनमें से 3 ने घर में घुसकर फयाज को अगवा किया था। और अमेरिका ने लश्करे तैयबा पर शिकंजा कसा है। हाफिज सईद के जमात उद्दावा की फंडिंग पर कई तरह की रोक लगा दी गई है। यह रोक इसलिए लगाई गई है ताकि तालिबान, अलकायदा
आईएसआईएस के फंडिंग नेटवर्क को तोड़ा जा सके, उन्हें कमजोर किया जा सके। अमेरिका ने कहा कि चैरिटी की आड़ में आतंकियों की मदद करने वालों से हम सख्ती से निपटेंगे। अमेरिका ने 3 लोगों और 1 संस्था पर रोक लगाई है। ये सभी जमात उद दावा से जुड़े हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में कल रात हंगामा और आगजनी हुई। 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ। हिंसक झड़प के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। हंगामा कर रहे लोगों ने तोड़फोड़ के बाद कई गाड़ियों में आग भी लगा दी। पुलिस पर भी पथराव किया गया। अभी मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। 2 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग घायल हैं। 3 वाहनों में आग लगा दी गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां अलीगढ़ में भैंस काटने के आरोप में कुछ लोगों ने एक कसाई और दूसरे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस भी इस मारपीट को नहीं रोक पाई और वो तमाशबीन बनी रही। दरअसल एक व्यक्ति ने अपनी भैंस का सौदा कसाई से कर दिया। इसके बाद कुछ लोग भैंस लेने पहुंच गए, भैंस को कमरे में बंद कर उसे काट दिया। जब कमरे से खून रिस कर बाहर आने लगा तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उनकी पिटाई कर दी। और अब पटना में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग का वीडियो आपको दिखाते हैं। बदमाशों ने पूर्व मंत्री की पत्नी की चेन छीन ली। 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े पूर्व मंत्री मिथिलेश सिंह की पत्नी के गले से सोने की चेन छीनी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने बंदूक दिखाते हुए आसपास के लोगों को धमकाया भी और आराम से बाइक पर सवार होकर वहां से चले गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। गुजरात के वडोदरा में एक दूल्हे की नाचते नाचते दर्दनाक मौत हो गई। दूल्हा अपने दोस्त के कंधे पर बैठकर डांस कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक दूल्हे ने होश खो दिए और वो नीचे गिरने लगा। कुछ देर में दूल्हे ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दूल्हे ने काफी शराब पी हुई थी। हालांकि अब भी तक मौत की वजह साफ नहीं है। फरीदाबाद के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मिड डे मील में सांप का बच्चा मिलने से हड़कंप मच गया। सांप का पता चलने से पहले ही 7 स्टूडेंट्स और 6 स्कूल स्टाफ मिड डे मील खा भी चुके थे। सांप मिलने की खबर प्रिंसिपल ने जिला शिक्षा अधिकारी को दी। बाद में पूरे जिले में मिड डे मील पर रोक लगा दी गई। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कार के समंदर में गिरने का वीडियो सामने आया है। हादसे के दौरान कार में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के दौरान मोबाइल से बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है, जो काफी वायरल हो रहा है। हालांकि कार के समंदर में गिरने के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। बधिरों के लिए समाचार में आज के लिए इतना।